गुड इवनिंग एवरीवन.
Yeah, good evening everyone. Am I audible to you all? If I'm audible to you all, please reply in chat box. हाँ सर, ऑडिबल है, ऑडिबल है, प्लीज कंटिन्यू. Yes, good evening everyone. Am I audible to you all now? I hope so. Yes, am sir, I audible perfect. To perfect okay audible. chalo fine. There are, just hold for a minute. So let us start. Myself is Nilesh sir. I'll be taking HPE, that is health and physical education. For you all guys, 11th standard, आप लोगों के लिए मैं health and physical education सिखाऊंगा. I hope so each and everyone is comfortable with Hindi and English both. मैं Hindi and English दोनों में आपका आपको मैं अभी meeting आपको मैं बताऊंगा समझाऊंगा what exactly हमारा जो health and physical education subject है वो कैसे क्या deal करता है और कैसे होगा. So basically जो हमारा health and physical education जो chapter जो subject है वो basically it will be जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिखाया जाएगा इट विल बी फॉर 50 मार्क्स टोटल. आपका 25 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा और आपका 25 मार्क्स थियोरी होगा. सो बेसिकली आपका टोटल HPE का जो सब्जेक्ट है, हम HPE बोलेंगे वो हमारा शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन HPE. एंड हमारा टोटल सब्जेक्ट होगा 50 मार्क्स का, विच कंप्राइजेज ऑफ
25 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 25 मार्क्स थियरी। तो आपको अभी इतना तो समझा रहेगा कि हमारा जो एचपी का सब्जेक्ट है वो टोटल 50 मार्क का होगा, 50 मार्क्स में से हमारा प्रैक्टिकल होगा वो 25 मार्क्स का होगा, और जो थियोरी होगा वो हमारा होगा 25 मार्क्स का, टोटल 50। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब हम इस हमारे प्रैक्टिकल में 25 मार्क्स के लिए आपके एचपी में क्या क्या होने वाला है। सो अब प्रैक्टिकल्स में 25 मार्क्स के लिए आपके पास फर्स्ट होगा जो आपका प्रैक्टिकल वर्कआउट होगा, दैट विल बी बेनी सिटअप्स, वो होगा 5 मार्क्स के लिए। जितने भी आपके 5 प्रैक्टिकल्स है दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स ईच, दैट इज 25 मार्क्स। तो अभी आपका फर्स्ट जो है दैट इज बेनी सिटअप्स। अभी बेनी सिटअप्स आई गेस आप लोग ने स्कूल में किया होगा, नहीं किया होगा आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट यहाँ पे ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल्स जो दिया गया है आपके स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो आपको परफॉर्म करके दिखाना है, और ईच एंड एवरी कंटेंट इज डिफरेंट। जैसे बेनी सिटअप्स है वो 1 मिनट के लिए परफॉर्म करना है, एंड जैसे कि नेक्स्ट इज पुशअप्स फॉर बॉयज एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स, ये भी 1 मिनट परफॉर्मेंस रहेगा आपका। एंड द थर्ड इज रोप स्किपिंग, जो स्किपिंग रोप है ये हम ये आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा ये 1 मिनट नहीं रहेगा, इसे हम आपको टाइम ड्यूरेशन देंगे अकॉर्डिंगली, टाइम आपको वो परफॉर्म करना है, कितने काउंट ऑफ कर पाओगे, कितना फास्ट आप कर पाओगे उस पर डिपेंड करेगा। देन द फोर्थ इज 6x10 मीटर शटल रन, ये भी आपका 1 मिनट परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। देन स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, एंड ये सब मैं चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारा 1 मिनट परफॉर्मेंस दैट इज लेट्स कम बैक टू जो हमारे 1 मिनट परफॉर्मेंस है दैट इज बेनी सिटअप्स एंड पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। सो बेनी सिटअप्स, अभी आप लोग में से सब लोग ने बेनी सिटअप्स किया होगा या सुना रहेगा, कभी किधर ना किधर देखा रहेगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स एंड हाउ मेनी ऑफ यू विलिंग टू डू स्पोर्ट्स। सो आई होप सो आप लोग ने स्कूल लेवल में या फिर आपके स्कूल से या फिर कोई क्लब से आपने पार्टिसिपेट किया होगा, and you must have played your district level or whatever level you have played, aapne koi na koi sports kitna kidhar khela hoga. So I guess jo iska demonstration hai benny setups ka jo demonstration hai that I'll show you once our lecture started, but ye abhi aapko main sirf ek brief idea de raha hu ki aapko exactly practicals mein karna kya hai, aapko jo benny setups hai wo demo karke dikhana hai, and demo ke baad aapko main jab demo dikhaunga so you have to practice it each and every day so that jab exam ka timing aaye to aapko 1 minute mein jo performance dena hai, matlab 1 minute performance means aap 1 minute mein kitna count kar paoge in both in bending setups and in push ups and girls aapke liye modified push ups, to 1 minute mein aap kitna push ups karoge, 1 minute mein girls aap kitna modified push ups kar paoge, aur 1 minute mein aap kitna bending setups kar paoge, उसके बेसिस पे आपका जो काउंट आएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अगर किसी एक ने बेनी सेटअप्स के 1 मिनट के अंदर सपोज फॉर एग्जांपल 45 to 50 अगर उन्होंने किया, या गर्ल्स ने किया समथिंग अराउंड 30 to 35 1 मिनट में, ये मैक्सिमम काउंट आई एम टेलिंग यू। ओवरऑल कॉलेज का परफॉर्मेंस अगर आप स्टूडेंट्स लोग में से हाईएस्ट इज 40 to 45 और गर्ल्स में हाईएस्ट इज 30 to 35 पकड़ के चलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अभी आप सोचते रहोगे कि इसका आप इवैल्यूएशन कैसे करोगे कि मैंने 35 किया, किसी ने 40 किया, किसी ने 25 किया, किसी ने 10 किया, किसी ने 5 किया, तो अब इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा। ऑन द बेसिस जो भी आपका मैक्सिमम काउंट रहेगा अपने कॉलेज में, जितने भी स्टूडेंट्स का मैक्सिमम काउंट रहेगा वो मैक्सिमम एक नंबर पकड़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका इवैल्यूएशन हम काउंट करेंगे कि सेकेंड हाइस्ट कौन सा है, थर्ड हाइस्ट क्या है, उसके बेसिस पे फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे 45 जैसे हमने मार्क्स पकड़ा है, तो किसी आप में से किसी ने 45 या 50 काउंट किया है तो उसको 5 out of 5 मिलेगा इन दैट प्रैक्टिकल। फॉर एग्जांपल जो भी हो, बेनी सेटअप्स हो या फिर पुशअप्स हो, तो आपको 5 out of 5 मिलेगा। फिर देन सेकेंड क्राइटेरिया आ गया, अगर सपोज सेकेंड हाईएस्ट इज बिटवीन 30 to 35 अमंग्स बॉयज का जो सेकेंड हाईएस्ट क्राइटेरिया दैट इज 35, मतलब 35 के ऊपर अगर जिन्होंने भी किया 45 तक उनको मिलेगा 5, और 35 के नीचे जो आएंगे उनको हम देंगे जैसे 4 marks, देन इट कम्स और नीचे आएगा 3 marks, देन और कम नीचे आएगा 2 marks, देन 1 marks।
सो ऐसा आपको मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 5, ये आपका क्राइटेरिया है। और ये आपको 5 प्रैक्टिकल करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है, आपको परफॉर्म करके दिखाना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा जब हमारे लेक्चर्स चालू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आई गेस एवरीवन इज अवेयर अबाउट पुशअप्स, मॉडिफाइड पुशअप्स, स्किपिंग एंड शटल रन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसा करना है, क्या परफॉर्म करना है। सिर्फ अभी के टाइम पे आप इतना ध्यान रख लो कि ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपको परफॉर्म करना है, ये आपको करके दिखाना है। एंड स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इज ऑल्सो ईजी, ये जितने भी प्रैक्टिकल है इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ जो 1 मिनट परफॉर्मेंस है उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, उसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है। तो वो तो हमारा थियोरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट। नाउ लेट्स कम ऑन टू द थियोरी पार्ट। अब थियोरी में आपको नियर अबाउट 11th स्टैंडर्ड यू हैव नियर अबाउट 10 चैप्टर्स, आपको 10 चैप्टर्स दिए गए हैं। सो 10 चैप्टर्स में से फर्स्ट चैप्टर इज योर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस जो चैप्टर है आपका, इसमें आप जो फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्टिव्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आप सीखोगे इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस एक्सरसाइज इन डेली लाइफ फॉर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम ही यही है कि डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो अब अगर किसी को इवन किड्स, बच्चे हो गए, आपके एज के ग्रुप हो गए, या फिर अबव एज, या फिर सीनियर सिटीजन जो भी होते हैं, तो डेली एक्सरसाइज करना बहुत, सॉरी लेट मी कम बैक अगेन, हाँ, तो डेली एक्सरसाइज इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। और नावाडेज आजकल का जो जनरेशन है, आई गेस आफ्टर कोविड, जो भी हमारे यहाँ पे पेंडेमिक हो चुका है, तो आई गेस यू कैन सी मेजोरिटी ऑफ द पीपल, आप सब लोगों को देखते रहोगे वॉक कर रहे हैं, या फिर एवरीवन इज गोइंग फॉर इन द गार्डन में जा रहे हैं, रोड पे वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। सो इट इज़ नाइस टू सी दैट कि ईच एंड एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस इन डे टू डे लाइफ। तो ये जो भी हमने पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं यहाँ पे, 4 ऑब्जेक्टिव्स, इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर। तो सेकंड पॉइंट इज टू बी अवेयर ऑफ एक्टिविटीज दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो कौन से ऐसे एक्टिविटीज है विच कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लाइक साइकिलिंग। अगर आपने देखा होगा या फिर आप में से कितने लोग साइकिलिंग करते हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, सो दिस आर द एक्टिविटीज विच हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज फिजिकल फिटनेस। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, दैट इज टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग साइंटिफिक मेथड टू एनहांस द फिजिकल फिटनेस। अब यहाँ पे हम एक बेसिक से हटके, मतलब वॉट आर द बेसिक थिंग्स जो हम नॉर्मली घर पे करते हैं, जो नॉर्मली आप प्रैक्टिस करते हो घर पे, कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, पुशअप, पुलअप, या फिर साइकिलिंग हो गया, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, दैट इज टू डेवलप द फिजिकल फिटनेस। बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू एडवांस कि ऐसा कौन सा एडवांस टेक्निक है विच हेल्प्स यू इन डेवलपिंग योर फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम। जैसे कि अगर आप देखोगे जो हमारे इंटरनेशनल नेशनल जो हमारे प्लेयर्स होते हैं विच आर वो आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड प्रोग्राम प्लान किया जाता है। सो अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट प्लान, बेस्ड ऑन दैट शेड्यूल, उनका ट्रेनिंग प्लान होता है, दिन में कितना होना चाहिए, कितना घंटा होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, जैसे सर्किट ट्रेनिंग हो गया, फिर पार्ट लेग ट्रेनिंग हो गया। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग, सो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, एंड विच कैन हेल्प देम इम्प्रूविंग द फिजिकल फिटनेस। देन आर फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस थ्रू एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग मेथड्स। तो यहाँ पे फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं, इट इज टू बूस्ट, अभी आई गेस आप लोग में से ईच एंड एवरीवन माइट नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटीज इतना कोई करता नहीं रहेगा, कोई एक्सरसाइज, कोई वर्कआउट नहीं करता रहेगा। तो यहाँ पे आई गेस आफ्टर दिस, आफ्टर लर्निंग, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस ऑल दिस ऑब्जेक्टिव, आई होप सो कि यू ऑल गेट मोटिवेटेड, एंड जिन्होंने, जो लोग एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करते, दे कैन विलिंगली वो भी स्टार्ट करेंगे, वो भी ज्वाइन करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, आई होप। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर में हम ये सब चीज सीखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज
ऑन ओबेसिटी, ये जो हमारा चैप्टर रेट इज ऑन ओबेसिटी, अभी ओबेसिटी में हम क्या क्या सीखेंगे. सो देर आर 5 ऑब्जेक्टिव इसमें हम सीखेंगे ओबेसिटी चैप्टर में. इट इज फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन ऑन ओबेसिटी, ओबेसिटी कैसे होता है, क्या होता है, वो हम हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है क्राइटेरिया वो हम सीखेंगे यहाँ पे. सेकेंड इज टू अंडरस्टैंड द एक्सेस इफेक्ट ऑफ एक्सेस फैट. अभी अगर आप ओबेसिटी हो तो अगर एक्सेस फैट है बॉडी में, ओबेसिटी इज व्हाट, इट इज एक्सेस फैट. तो एक्सेस फैट होगा तो उसका बॉडी पे असर क्या होगा. ऑफ कोर्स देयर इज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. आप कोई भी चीज लो उसका, अगर आप अंडरवेट भी होते हैं तो उसका भी एडवांटेज होता है, उसका भी डिसएडवांटेज होता है. तो वैसे ही इसका भी, अगर आप ओबेसिटी हो तो इसका भी देयर इज इफेक्ट, इसका भी इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर. तो वो चीज हम यहाँ पे डीपली स्टडी करेंगे अबाउट ओबेसिटी, इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन ऑन एन इंडिविजुअल. देन योर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू बी अवेयर ऑफ ओबेसिटी मेजरमेंट टेक्निक. अभी ओबेसिटी है तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ डू वी मेजर द ओबेसिटी. तो उसके लिए देर आर सम टेक्निक्स, देर आर लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल टेक्निक, लाइक यू मस्ट हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. तो एक स्किन फोल्ड कैलिपर करके देर इज एन इक्विपमेंट विच इज यूज टू मेजर द ओबेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर आपको किसी एक ह्यूमन बींग का ओबेसिटी लेवल मेजर करना है तो वो स्किन फोल्ड कैलिपर करके एक इक्विपमेंट आता है, आप उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हाउ कैन यू मेजर योर ओबेसिटी. सो देन नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव इज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट पॉसिबल डिजीज कॉज बाय ओबेसिटी. अभी एक अगर एक कोई इंसान जो है जो ओबेस होता है तो ओबेसिटी कैन कॉज फ्यू डिजीज ऑल्सो. तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे कि वॉट आर ओबेसिटी से क्या क्या बीमारी होने का चांसेस होता है. द नेक्स्ट इज आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर इज टू नो अबाउट द ओबेसिटी प्रिवेंशन एंड रेमेडी. अभी प्रिवेंशन एंड रेमेडीज मतलब कि हाउ कैन वी स्टॉप गेनिंग वेट, या फिर हम और क्या क्या प्रिकॉशन या फिर और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते इन ऑर्डर टू स्टॉप गेनिंग वेट. अभी ओबेसिटी मीन्स ऑफकोर्स यू आर गेनिंग वेट, या आपका फैट बढ़ रहा है, दैट इज योर body mass index, we can call it as short form, we can say it as BMI. So ye sari cheeze hum is chapter mein seekhenge, deeply study karenge. Ye sirf I'm just giving you a roughly idea ki is chapter mein aapko kya kya hone wala hai, kya kya seekhne milega. So these are the chapters, second chapter ye hamara ho gaya. So next move on to the third chapter, that is on nature and diet. Abhi in sports, in HPE health and physical education, diet bhi bahut matter karta hai. Even नेचर, अभी नेचर मतलब क्या है, योर क्लाइमेट, आप कौन से क्लाइमेट में रहते हो, आप कैसे क्लाइमेट में प्रैक्टिस करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट होता है. एंड फॉर श्योर योर डाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन इट. सो अब इस चैप्टर में हम, देर आर 6 ऑब्जेक्टिव्स जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक साइंस. अभी ये एक टर्मिनोलॉजी आई गेस आपने पहली बार सुना होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट बेस्ड ऑन इंडियन आयुर्वेदिक साइंस. अभी आयुर्वेदिक साइंस ये क्या चीज़ है, तो इस चीज़ के बारे में आयुर्वेदिक साइंस, अगर आप कोई भी टेक्निक बोलो तो खाने में हम जो जो आयुर्वेदिक जो चीज़ यूज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पे, आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ले लो, बास्केटबॉल ले लो, then you take volleyball, then you take any running event, the 100 meter, short distance, long distance, आप कुछ भी ले लो. तो using of Ayurvedic diet, उसका क्या impact होगा आप पे, वो हम study करेंगे यहाँ पे. And second is, कि to understand the diet specific to one's region and natural environment. अभी यहाँ पे आप for example, practicing अगर आप Rajasthan side में practice कर रहे हो तो वहाँ का क्लाइमेट, एंड प्लस अगर आप पंजाब या किधर वो साइड प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ का क्लाइमेट, इट इज़ टोटली एब्सोल्युटली डिफरेंट. तो क्लाइमेट कैसा अफेक्ट करता है, कितना मैटर करता है टू प्रैक्टिस, टू ट्रेन योरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वो यहाँ पे हमें बताया गया है इन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव.
And the third objective, that is to understand the diet suitable to one's own nature. अभी यहाँ पे हम अभी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हर एक को हर एक चीज सूट नहीं करती. अगर मैं इन सिंपल टर्म्स बोलो एक हिंदी में बोलो तो हर एक इंडिविजुअल को कुछ किसी को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, किसी को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, कुछ खाने से एलर्जी होती है. तो आप क्या कट शॉर्ट कर सकते हो और क्या उसके जगह पे आप कौन सा ऐसा सब्सटेंस इनटेक कर सकते हो जिसकी वजह से वो जो आपको एसेंशियल जो प्रोटीन है जो मिलना चाहिए वो ये डाइट को कट ऑफ करके अगर आप ये डाइट चालू करोगे तो आपको वो प्रोटीन मिल सकता है. तो वी हैव एन अल्टरनेटिव इन दिस ऑल्सो. एंड द नेक्स्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ऑफ डाइट अफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड. तो यहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे एंड वी लर्न हाउ टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ डाइट. यहाँ पे हमको बताया जाएगा कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना अमाउंट में होना चाहिए. एंड फॉर श्योर द नेक्स्ट आर ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन एंड डेवलप फिजिकल फिटनेस थ्रू डाइट. अगर आप प्रॉपर मेंटेन डाइट फॉलो करोगे, प्रॉपर अगर आप वर्कआउट करोगे, प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करोगे, डे टू डे शेड्यूल आप फॉलो करोगे आपका, तो ऑफकोर्स हाउ अ प्रॉपर डाइट कैन शो द रिजल्ट ऑन योर एक्सरसाइज या फिर ऑन योर स्पोर्ट्स. आप जो भी कर रहे हो या अगर आप रनिंग कर रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि फॉर एग्जाम्पल योर प्लान यू हैव प्लान्ड अ वर्कआउट. अगर आप समझ रहे हो कि मुझे सिक्स पैक्स ऐप चाहिए, आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. आपको अगर सिक्स पैक्स ऐप चाहिए तो अगर आप अपने प्लान तो कर लिया कि मुझे ये एक्सरसाइज करना है, ये एक्सरसाइज करना है, बट ऑन दैट अगर आपका डाइट उसके हिसाब से प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो आप, इफ़ यू हैविंग डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप खा रहे हो जैसे बटर हो गया, चीज़ हो गया, सो दिस ऑल डाइट विल नॉट हेल्प यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स विच यू हैव प्लान. अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपका मेन टारगेट क्या है कि आपको ऐप चाहिए, बट अगर आपका डाइट उसके हिसाब से आपके वर्कआउट के हिसाब से नहीं रहेगा, सो यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव जो योर टारगेटेड गोल रहेगा वो आपका कंप्लीट नहीं होगा. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इस चैप्टर में टू डिफरेंशिएट बिटवीन डाइट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्लेयर एंड अ नॉर्मल पर्सन. अब यस, अगर एक नॉर्मल इंसान है और एक स्पोर्ट्स प्लेयर है तो दोनों का डाइट में बहुत जमीन आसमान का फर्क रहेगा. इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो एक बट एक बात है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक स्पोर्ट्स पर्सन दोनों के डाइट में बहुत तो ये चैप्टर में हम ये सीखेंगे. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर दैट इज योगा एंड मुद्रा. इस चैप्टर में हम सीखेंगे स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, हाउ टू लिव द स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल. देन सेकंड इज स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ मुद्रास, मुद्रा से कितने फॉर्म से हम वो सीखेंगे. एंड थर्ड इज पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ. सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न. नेक्स्ट मूव ऑन तो फिफ्थ चैप्टर दैट इज डोपिंग. अब डोपिंग में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे. तो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डोपिंग, डोपिंग का इफेक्ट क्या होगा इन स्पोर्ट्स. देन बैन ड्रग्स एंड इफेक्ट्स. अब मार्केट में कितने ड्रग्स है, कितने कितने प्रकार के ड्रग्स है हम वो सीखेंगे. बैन ड्रग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके बारे में हम सीखेंगे. एंड उनका इफेक्ट एक इंडिविजुअल पे और एक स्पोर्ट्स पर्सन पे क्या होगा, मैन इज परफॉर्मिंग या फिर परफॉर्मेंस के पहले उस ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा वो हम सीखेंगे इस चैप्टर में. देन नेक्स्ट इज टू अवॉइड डोपिंग. अभी डोपिंग को अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस डीपली इस चैप्टर में सीखेंगे. देन नेक्स्ट इज फिजिकल एंड डेंजर्स ऑफ डोपिंग, मतलब हाउ डेंजरस इज डोपिंग फिजिकली एंड मेंटली और and how it can affect your sports if you're taking it as a professional. Then next is clean competition. Clean competition का मतलब ये है कि अगर आप without doping अगर आप competition कर रहे हो तो how can you compete and how well you can compete, आपका caliber कितना है वो हमें पता चल जाएगा. Then next chapter is इंजरी मैनेजमेंट. अभी इंजरी मैनेजमेंट मतलब क्या, मतलब स्पोर्ट्स में आप अगर आप खेलते हो तो आपको इंजरी होने का चांसेस तो रहता है और नहीं भी रहता है. यू कैन प्रिवेंट, उसके एडवांटेजेस भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है. अभी जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, आप इंजरी मैनेजमेंट जो चैप्टर है इसमें आपको चार ऑब्जेक्टिव है जो आप सीखोगे, दैट इज कॉग्निजेंट
अबाउट इंजरीज. कॉग्निजेंट का मतलब होता है, आई कैन से इन डिफरेंट टर्म्स लाइक अवेयर अबाउट इंजरीज, मतलब अवेयरनेस अबाउट इंजरीज, मतलब कौन से चीजों से आपको इंजरीज, क्या क्या चीजों से आपको इंजरीज होने के चांसेस है वो हम सीखेंगे यहाँ पे. देन प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ इंजरीज, मतलब हाउ कैन वी प्रिवेंट और हाउ कैन वी अवॉइड गेटिंग इंजर्ड. अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो हाउ कैन यू प्रिवेंट योर सेल्फ. अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के पहले अगर आपने देखा रहेगा, क्रिकेटर्स को स्पेशली देखा रहेगा ड्यूरिंग आईपीएल, कि यू हैव सीन जो प्री शो जो आता है उसमें आप देखते हो कि बैकग्राउंड में प्लेयर्स ग्राउंड पे जॉगिंग कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं. सो दैट इज द वन प्रिकॉशन आई कैन एक्सप्लेन यू दिस मच ओनली, कि वो एक प्रिकॉशन वार्मिंग अप जो होता है इट कैन प्रिवेंट योर मेजोरिटी ऑफ द इंजरीज जो इट कैन अकर्स ड्यूरिंग playing or participating in any of the sports. Then next third is injury management technique. Injury management technique mein hum sikhenge ki what are the different techniques you can apply in order to avoid injury in any of the sport, whether it's football, cricket, basketball, etc., etc. Depends upon each and every game. Then next our fourth point is appropriate sportwear and protective materials. अभी आप कोई भी आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो अप्रोप्रिएट उसके हिसाब से, स्पोर्ट्स के हिसाब से आपका स्पोर्ट्स वेयर भी होना चाहिए. एंड व्हाट आर द प्रोटेक्टिव मटेरियल्स व्हिच इज नीडेड इन ऑर्डर टू प्ले दैट स्पोर्ट्स, तो वो भी मटेरियल्स भी होना जरूरी है सो दैट यू कैन अवॉइड इंजरी. अभी फॉर एग्जाम्पल आई कैन अगेन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट में you can see a batsman while batting he wears gloves, he wears pads, he wears helmets. Abhi wo ho gaya hamare ek protective material kind of, we are protecting ourselves so that agar ball bat se miss ho jati hai, elbow guard bhi pehante hain, ball agar bat se miss ho jati hai to it will not harm an individual, wo jaake helmet pe ya gloves pe ya jo bhi protective material jo bhi aapne safety ke liye pehna hoga us pe jaake hit karega, it will not injure an individual or a sports person. तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये हम डीपली स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेवेंथ चैप्टर दैट इज मॉडर्न टेक्नोलॉजी. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वो भी स्पोर्ट्स में, सो यस ऑफ कोर्स नाउ डे बाय डे ईच एंड एवरी ईयर यू कैन से डे बाय डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हिज टेक्निक. टेक्निक हो गया, इम्प्रूव हिज एक्शन, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिखा है. टू नो अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, कि कौन से मार्केट में ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है विच कैन हेल्प एन इंडिविजुअल और स्पोर्ट्स पर्सन टू डेवलप हिज स्किल्स इन हिज पर्टिकुलर गेम, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया. तो उसमें कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कौन से मॉडर्न टेक्निक्स है विच कैन हेल्प एन इंडिविजुअल टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, वो हम सीखेंगे यहाँ पे. देन सेकेंड इज इफेक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर गेम, ऑन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे होगा, वो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी. अब कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, हाउ इट कैन हेल्प एंड वॉट आर द टेक्निक्स, वॉट आर द इक्विपमेंट्स यू कैन से. अगर आप टेक्निक की बात करोगे तो उसमें इक्विपमेंट भी आ गए, मटेरियल्स भी आ गए, ईच एंड एवरीथिंग विच कैन हेल्प इन डेवलपिंग एन इंडिविजुअल फिजिकल फिटनेस. तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ए चैप्टर करियर अपॉर्चुनिटीज इन स्पोर्ट्स. अभी करियर अपॉर्चुनिटीज, देर आर मेनी पीपल, आई कैन से देर आर मेनी पीपल हु आर लाइक की पेरेंट्स बेसिकली, आई कैन से कि दे आर वेरी मच अवेयर, दे आर वेरी मच केयर्ड फॉर द फ्यूचर, फॉर द चाइल्ड फ्यूचर इन स्पोर्ट्स. अभी कोई एक या फिर यू कैन से कोई भी एक बॉय या गर्ल, अगर आप लोग कोई स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो तो एक आगे क्वेश्चन मार्क आता है कि तो बेसिकली इन ऑर्डर, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि वॉट आर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट करियर गाइडेंस क्या होता है इन स्पोर्ट्स. तो अगर आप स्पोर्ट्स को एज अ करियर अगर आप सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर थिंग्स इज रिक्वायर्ड, आपको क्या प्रॉपर चैनल से जाना है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे.
करेंगे. सो फर्स्ट इज नेटिंग कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट है, जो भी इंडिविजुअल है, उसका फर्स्ट ही शुड बी केपेबल. सेकेंड, अगर केपेबल है तो उसके पास उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स. मतलब अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो टू गोइंग टू एडवांस लेवल एंड देन विनिंग, आप कोई भी कॉम्पिटिशन खेल रहे हो तो उसमें जीतना, उसमें आगे बढ़ना, वो एक इंटरेस्ट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए वो एक इंडिविजुअल. देन सेकेंड इज प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन. अभी यहाँ पे अगर आपको प्रोफेशनल एक अगर आपको कुछ बनना है, सो देर इज अ प्रॉपर कोर्स यू हैव टू डू. लाइक इफ यू हैव टू डू समथिंग इन फिजिकल एजुकेशन, सो यू हैव टू डू BPED, दैट इज बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, मास्टर्स. देन धीरे धीरे आगे देर इज स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको आगे फर्दर स्टडी करना है तो देर इज मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन. देन देर इज PhD, बहुत सारे. द PhD इज द लास्ट मार्क, वो आपका लास्ट है. तो दिस आर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन गेट इन फिजिकल एजुकेशन इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर टेकिंग इट एज अ करियर गाइडेंस, इफ यू आर टेकिंग इट एज अ करियर इन फ्यूचर. देन लास्ट इज जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, दैट इज मार्केटिंग स्किल्स एंड डिवाइस मार्केटिंग स्किल्स. अभी मार्केटिंग स्किल्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में आपने तो सुना ही रहेगा. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर आपने कभी सुना है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे इवेंट मैनेजमेंट होता है वैसे ही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके कोर्स होता है. एंड मार्केटिंग स्किल्स इज लाइक कि आपको अगर जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है तो उसे आप सामने वाले को अगर आपको बेचना है, अगर ये मैं अपने स्पोर्ट्स शॉप देखा रहेगा. सो मार्केटिंग स्किल्स इज बेसिकली हाउ यू अप्रोच अदर्स, हाउ यू डेवलप, आई कैन से हाउ कैन यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन समवन थ्रू द मटीरियल्स. अगर आपने बच्चों, किसी एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी छोटे बच्चे को पता नहीं होता है कि वॉट बेसिकली, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फुटबॉल दे दे या क्रिकेट बॉल दे दे, अगर उन्हें फुटबॉल से क्रिकेट भी खेलना है या फिर क्रिकेट बॉल से उन्हें फुटबॉल भी खेलना है, तो बच्चों को हम डायरेक्टली बोलते नहीं कि दिस गेम इज कॉल्ड क्रिकेट, दिस गेम इज कॉल्ड फुटबॉल. तो हम एक बच्चे को अगर कुछ एक चीज दे दे तो अगर वो खेल रहे तो हम वी कैन प्रेडिक्ट यार कि इसको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, वी आर ही इज रियली इंटरेस्टेड इन. बट अगर जब बच्चा छोटा है तो उसको अगर हम कुछ भी एक चीज़ ला के देते हैं, वो कुछ भी चीज़ से वो खेल रहा है या फिर उस चीज़ से परफॉर्म कर रहा है, एंड इफ यू आर एबल टू डू इट सो दैट इज. और डिवाइस इज अ मार्केटिंग डिवाइस है. मार्केटिंग डिवाइस में यू कैन एड ऑन लाइक जो भी हम डिवाइस आज मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स पे वीडियो गेम खेल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे ये स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग ऑफ स्पोर्ट्स. जैसे कि अगर आप मोबाइल पे खेलोगे तो फॉर श्योर अगर आपको रियल में वो गेम खेलने को मिलेगा तो फॉर श्योर यू विल बी एक्साइटेड, यू विल फील इंटरेस्टिंग इन पार्टिसिपेटिंग इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स. सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 8. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज वेरियस स्पोर्ट्स एंड गेम्स. अभी यहाँ पे वेरियस गेम्स में हमें दिया गया है, दैट इज 5 ऑब्जेक्टिव्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी. दैट इज अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स. आप जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, वॉट एवर स्पोर्ट्स यू आर प्लेइंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, तो उस गेम के बारे में आपको पूरा, यू शुड बी अपडेटेड. मतलब क्या इंफॉर्मेशन है, वो स्पोर्ट्स कैसा खेलना है, क्या खेलना है, ईच एंड एवरीथिंग, उसका डायग्राम का मेजरमेंट क्या होता है, ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है. एंड द सेकेंड थिंग इज विच यू आर गोइंग टू लर्न, विच यू शुड बी अवेयर, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गेम. उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का रूल्स रेगुलेशन क्या है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. Then the third thing which you are going to learn is to develop skill set for all games. जैसे कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो तो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए बेसिकली यू शुड नो द स्किल्स फर्स्ट. जैसे कि आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बास्केटबॉल. अभी बास्केटबॉल में स्किल्स, अगर बास्केटबॉल आपको खेलना सीखना है तो सबसे पहले आपको स्किल्स सीखने पड़ेंगे. स्किल्स अभी जैसे कि बेसिकली आई विल गिव एन एग्जाम्पल लाइक ड्रिबलिंग हो गया, पासिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया. तो ये सब स्किल्स आप जब सीखोगे उसके बाद ही आप बास्केटबॉल गेम परफॉर्म कर पाओगे, प्रॉपरली खेल पाओगे. तो ये हम यहाँ पे सीखेंगे. द नेक्स्ट इज टू डेवलप द पर्सनालिटी थ्रू स्पोर्ट्स. ऑफ कोर्स इफ यू आर प्लेइंग एनी ऑफ द स्पोर्ट्स तो यू कैन सी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली दे लुक गुड. जैसे कि आप देखोगे हमारे क्रिकेटर्स या हमारे एथलीट्स को देखोगे, सो यू कैन फॉर श्योर यू कैन
say that ki, of course ki, sports helps an individual to develop his personality. The next is to have information about various sports, various competitions or games. Abhi jaise ki yahan pe various competition, if I can say ki कौन से कॉम्पिटिशन होते हैं फॉर द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, जैसे कि अगर हम स्कूल लेवल पे देखा जाएगा तो स्कूल फेडरेशन जो ऑर्गेनाइज करता है गेम्स फॉर स्टूडेंट्स एट स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट लाइक स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिविजन एंड स्टेट एंड देन नेशनल एंड देन नेक्स्ट कम इज योर इंटरनेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल के बाद जो एक क्लास बचता है दैट इज योर ओलंपिक गेम्स. तो ये चीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. Then your last chapter is various sports competition. अभी कौन से competitions होते हैं यहाँ पे उसके बारे में हम सीखेंगे. That is first ये objectives तीन जो हम इस chapter में सीखेंगे. Update information about various national and international events. कौन से national events होते हैं, कौन से game के national level तक उनका federation है, कौन से कोई कोई ऐसे sports होते हैं बेचार not affiliated to national international level but still they are comments. But yahan pe aapko updated information hona chahiye ki aap koi bhi sports aisa choose kar rahe ho to sports national or international level pe uska approvement hona chahiye federation se. To aap us hisab se agar aap sports ko agar aap select kar rahe ho for your career to aapko har ek cheez ko dhyan rakh ke aapko usko select karna padega sports ko. The second thing is, you should be aware about the history of your sports. अगर कोई भी sports ले लो cricket IL से, कि cricket अगर आप sports choose कर रहे हो, तो you should be having a bit some of the knowledge about cricket. उसका history थोड़ा सा background आपको पता होना चाहिए कि when it was originated, कहाँ पे originate हुआ था, and अगर आप India से हो, तो what कौन से players हैं who have achieved a few awards या फिर उन्हें कौन सा awards मिला है, तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए. Then third is planning and organizing aspect of sports at different level. अगर जैसे कि हम मैंने आपको थोड़े पहले बोला था कि school federation जो organize करता है events for events at school level and at college level, अगर आपने school से participate किया है किधर बाहर इंटर स्कूल के लिए तो आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे हमें बताया गया कि अगर आप कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हो एनी ऑफ द लेवल, कोई भी लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, नेशनल हो गया, देन डिविजन लेवल हो गया, तो उसका कैसे करना है, क्या करना है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे. हाउ टू प्लान एंड हाउ टू एग्जीक्यूट. So these are our 10 chapters. Yeah, our 10 chapters hai jo ki hum in detail we are going to study in our lectures. So practical aur jo tha hamara maine aapko bataya aur ye theory maine aapko bataya, but when are we going to go deeply, when we start with the lectures, to main aapko deeply har ek cheez, har ek chapter, har ek practical ke main aapko bataunga detail mein. I hope so aap logon ko is samajh rahega how we are going to do in our subject. So thank you guys, thank you for listening, and I let's hand over my to Ashish sir. Ashish sir, am I audible? Yes sir, perfect orientation. Agar kisi ko kuch question puchna hai to please raise your hand, and if there is no question then we can end with the orientation. Yeah, if anyone wants to ask any of the questions, so you can. अगर आप मैं जो स्लाइड बताया आपको इसमें से मुझे कुछ पूछना है, आपको कुछ डाउट है, या फिर समथिंग न्यू यू वांट टू आस्क अबाउट स्पोर्ट्स इन आवर कॉलेज, अबाउट द फैसिलिटी ऑफ आवर कॉलेज. यस सर, मैं सुनील बोल रहा हूँ. हाँ सुनील बोलो. सर गुड इवनिंग. सर या गुड इवनिंग सर, मतलब आपने जो बताया पूरा डिटेल ऐसा रहेगा, तो हमारा जो मतलब एग्जाम होगा वो मतलब आधा फिजिकल होगा, आधा वो प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी टाइप का भी होगा ना? यस यस यस. आपका 25 मार्क्स का थियोरी होगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा. तो जैसे मैंने दो आपको जो 10 ये मतलब एक ही टाइम पे होगा ना, कि मतलब दो बताया है उनका जो थियोरी पार्ट वो कवर होगा. यस सर. सुनील आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर अभी आ रहे. हाँ अभी आ रहे. ओके सर. सर एक और मतलब हाँ बोलो.
पता है उसमें चैप्टर में कि जैसे कि ओबेसिटी है, तो ये सर ओबेसिटी मतलब क्या होता है वो? ओबेसिटी मतलब द अमाउंट ऑफ फैट्स, मतलब एक इंसान अगर आप मैं एक जनरल जनरल आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी एक इंसान को आप बाइफोगेट करते हो तो आप उसको एक को मोटा बोलते हो, एक को पतला बोलते हो, तो जो मोटा इंसान होता है, जो अभी मोटा इंसान उसको आप मोटा क्यों बोलते हो, बिकॉज ही इज कैरिंग एक्सेस फैट्स, जो बॉडी में एक एक्सेस फैट्स होता है दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। तो समझा सुनील, मतलब अगर आप किसी एक इंडिविजुअल में एक्सेस फैट है तो उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। या एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ बोलो मौसम। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स कौन कौन से, मींस के क्रिकेट वैसे कुछ क्या है? हाँ, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? क्रिकेट वॉलीबॉल, मींस के ऐसे खेला नहीं है बट क्या है वो पूछ रही थी। ओके, आपने आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है मौसम? मींस के ऐसे साथ में सब क्रिकेट और वो सब खेलते हैं। ओके फाइन, सो बेसिकली हमारे पास क्रिकेट है, थ्रो बॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, वी आउटडोर में ये सब है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, एंड वी ऑल्सो डू हैव वी कैन से बेसबॉल। बेसबॉल का भी आपने सुना है बट बेसबॉल नहीं है, बट वी हैव दैट सेम फॉर्म ऑफ इट दैट इज सॉर, वी हैव थ्रो बॉल, वी हैव वॉलीबॉल, ये आउटडोर्स में हो गया, इंडोर्स में हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, टेबल टेनिस है, इवन वी हैव बैडमिंटन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सर, थैंक यू। या साक्षी। सर आई हैव टेकन पीसीबी एंड आईटी, सो इन माय सब्जेक्ट इट इज नॉट शोइंग पीई, सो इज पीई एन कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर ऑल? यस यस, एचपी इज कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके सर। हेलो सर। Yeah, done, Sakshi. Anything else? Yeah, next is Sajan. Something Patil. Yeah, boliye. Yes, sir. Sir, my name is Sajan. तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि हमें कॉलेज जैसे डीएसओ के कंपटीशन होते हैं उसमें हमें लेके जाएगी, मेरे मैं मतलब एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, मैंने कंपटीशन खेले, तो मैं वही पूछना चाहता था कि कॉलेज डीएसओ के लिए लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? यस यस यस, वी डू पार्टिसिपेट एट डीएसओ लेवल, हम कॉलेज से पार्टिसिपेशन होता है, बट ड्यू टू ऑल दिस पेंडेमिक अभी सब तो ऑनलाइन है, सो डीएसओ हैज डीएसओ फिलहाल इज नॉट ऑर्गेनाइजिंग एनी ऑफ द इवेंट, सो मे बी लेट्स सी नेक्स्ट ईयर if the college reopens, so for sure even they are going to organize it, so yes yahan se bhi participate hota hai, so okay, aapka sir. entry bheja jayega maybe I guess aap 11th mein, to next year 12th mein jab tak aap aaoge tab tak I guess even start ho jana chahiye. Okay sir, thank you. Yeah, next Shivam Pandey. Yeah, Shivam Pandey, aapko kya puchna hai? Shivam Pandey, you are not audible. Okay, Nupur. Yes, actually, one of them already asked about DSO. I wanted to ask the same thing. Like, I have done rifle shooting. So, do you stand for DSO for rifle shooting also? Yes, yes, yes. At what level you have participated? No, like, I have taken trainings, but then because of this COVID only it stopped. So, they told like, when then I can participate in it. Okay, fine. Nupur, not a problem. Aap practice kahan pe karte ho? Kaun sa club mein jaate ho? Ville Parlem. Okay, Ville Parlem mein. Theek hai, fine. To jitne log DSO yahan pe khele hai pehle, jinhone khela hai ya fir jo practice club mein jaake practice karte hai, individual game ho gaya, team event ho gaya, to as the college start हेलो 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 हाँ पूछो पूछो रोहन सर मैं सुनील
हाँ सुनील बोलो सर. मतलब जैसे हमारे मतलब कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम है, तो सर ऐसे चेस के जो इंडोर गेम है उस टाइप का भी मतलब कंपटीशन होता है? होता है, आप जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. कॉलेज आपको पूरी फैसिलिटी देगी पार्टिसिपेट करने के लिए. जैसे बहुत सारे इंटर कॉलेजेस इवेंट्स होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल का इवेंट होता है, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने भी पूछा, तो उनके जो एंट्री फॉर्म्स है वो हमारे कॉलेज में आते हैं. ठीक है, जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन, तब आप सर को आकर के अपना नाम लिखवा के जाना कि आपका इंटरेस्ट कौन से स्पोर्ट्स में है और आपने कौन कौन से लेवल तक पार्टिसिपेट किया है. तो उससे क्या फ़ायदा रहेगा ना कि सर के पास रिकॉर्ड रहेगा. तो हमारे पास कोई भी अप्लीकेशन आते हैं या कोई भी फॉर्म आता है पार्टिसिपेशन के लिए, तो सर वो फॉर्म इजीली भरवा सकते हैं आपसे. ठीक है, फिर आपको पार्टिसिपेशन. ओके सर, तो ये चीज़ ऑलमोस्ट सबके लिए अप्लीकेबल है, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं. जिसने भी डीएसओ के रिलेटेड भी पूछा था ना क्वेश्चंस, शूटिंग वाले थे और एक ब्लैक बेल्ट कराटे वाला, तो जिस बच्चे को जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या आपने किसी क्लब में ट्रेनिंग ले रहे हो या आगे चल के आपको पार्टिसिपेट करना है, आप अगर सर को नाम लिखा के रखोगे तो सर के लिए इजी रहेगा. इन फ्यूचर अगर हमारे पास फॉर्म्स वगैरह आते हैं या हमें पता चलता है कि कहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए जाना है, ठीक है, चाहे वो इंटर कॉलेज इवेंट हो या डिस्ट्रिक्ट इवेंट हो या कोई किसी भी तरीके का इवेंट हो. ठीक है, आई होप ये पॉइंट अभी सबके लिए क्लियर है. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, मेरे ख्याल से सर का कुछ इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, सो आई गेस मेरे ख्याल सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी एक दो जन का क्वेश्चन और ले लेते हैं, देन वी कैन वाइंड अप. फेस पूछो. फेस, यस सर, गुड इवनिंग. बोलो. गुड इवनिंग बोलो. Sir, if I have interest in football and I haven't participated in any competition, so still I can join the team or I yes. can play. You can join the team or else we are having that turf in our college and there are a few football that training classes are going on. So if you want, you can join that training classes also and you will be having a skills in that. So in future, if suppose that we are planning for the to make a football team, then you can be the most important part in that. Okay. Rohan Singh, pucho. Audible now. हाँ सर, अभी आप audible हो. रोहन सिंह को बोला था पूछने के लिए. रोहन, जैसे कि फुटबॉल का जो बोल रहा था, फुटबॉल के लिए अगर आपने कभी खेला नहीं होगा तो भी चलेगा. यू कम इफ यू गेट सेलेक्टेड फॉर द टीम देन यू कैन प्रैक्टिस ओवर हियर, आपको सिखाया जाएगा. Yeah, Shivam Pandey, anything you want to ask? Yeah. Sir, good evening. Yeah, sir. Good evening, buddy. सर, मैंने डीएसओ भी खेला है और थोड़ा मीन्स डीएसओ के जो ऊपर वाला लेवल रहता है ना कबड्डी में, वो भी खेला है. मीन्स मेरी टीम क्वालिफाई कर गई थी डीएसओ के लिए, तो कबड्डी भी आप लोग खिलाते हैं क्या? Yes, अगर कबड्डी का इनफॉर्मल टीम, अगर हमारे टीम कॉलेज का टीम के सर, बेसिकली वी आर साइंस, तो वी आर मेकिंग मॉर्निंग और आफ्टरनून को मिला के हम एक टीम बनाते हैं. एंड इवेंचुअली हम लोग, हमारा जो ग्राउंड है सामने, अगर आपने देखा होगा कभी, विजिट किया होगा. यस सर, देखा है मैंने. तो हमारा प्रैक्टिस उधर ही होता है. ओके सर, थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम. या एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग अबाउट एचपी रिगार्डिंग? हां बोलो. मौसम एंड नेक्स्ट इज कमल. कमल, हेलो सर, गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग बोलो. Sir, can we get this orientation on YouTube? I need to ask. हम ये recording upload कर देंगे, don't worry about this. Okay sir, thank you. Yeah, Mohsen बोलो. Good evening sir. Yeah, good evening बोलो. Sir, कितने lecture हो गए week में?
बीच में एक ही लेक्चर होगा, एक डिवीजन में एक लेक्चर होगा। ओके आई गेस सर मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, सो वी कैन एंड द सेशन नाउ। या वी कैन, तो अभी और किसी को डाउट नहीं है ना, सो लेट अस एंड द सेशन हियर। सो गाइस लेट अस एंड द सेशन एंड होप टू सी यू सून। जितने भी स्पोर्ट्स इंटरेस्टेड है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, जितने लोग ने खेला है नहीं खेला है नॉट अ प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन फॉर श्योर कम एंड जॉइन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स यू वांट। चलो देन थैंक यू and have a nice evening ahead. Bye-bye.